चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रीड करो। टू मासेस ऑफ 1 ग्राम एंड 9 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लीनियर मोमेंटम इज। देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, p2/2m ये रिलेशन होता है। इसमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल है दोनों की, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2km, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग p2/2km। और काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो p इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2km इनिशियल, p फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2km फाइनल। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, p फाइनल का स्क्वायर अपॉन p इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू m फाइनल अपॉन m इनिशियल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो p फाइनल अपॉन p इनिशियल इज इक्वल टू अंडर रूट में m फाइनल अपॉन m इनिशियल। और अगर m इनिशियल अपॉन m फाइनल इज इक्वल टू 1/9 होगा, 1 ग्राम डिवाइड बाय 9 ग्राम 1:9 होगा, तो m फाइनल अपॉन m इनिशियल कितना होगा 9/1। ये वैल्यू यहाँ रख दें 9/1, तो ये आएगा 3/1 यानी 3:1। तो फाइनल और अगर मैं इनिशियल को फाइनल करना है अगर, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में हमको बात करनी है ना रेशियो, सो p इनिशियल अपॉन p फाइनल कितना हो जाएगा 1:3, क्योंकि p फाइनल अपॉन p इनिशियल 3:1 है, तो उल्टा 1:3 होगा। कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये वाला थर्ड सी वाला 1:3 is the most appropriate answer। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।